तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सीटों का बंटवारा महाराष्ट्र के फॉर्मूले पर निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में एक हाथ दो, उत्तर प्रदेश में दूसरे हाथ लो, क्या यह फॉर्मूला चलेगा? आज हम समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में सीटों को लेकर कितनी मांग की है यह हम आपको बताएंगे। ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व पर स्टैंड दिन ब दिन कड़ा क्यों होता जा रहा है। आखिर हिंदुत्व के पोस्टर बॉय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपना स्टैंड कड़ा करते जा रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी और कैसे अभी भी कुछ विधायक लगातार सरकार से इस बात से नाराज हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही? कौन है ये विधायक और क्या कह रहे हैं, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात होगी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच उपचुनाव में होने वाले टिकट बंटवारे के फॉर्मूले की। जी हां, समाजवादी पार्टी ने खुद को हरियाणा में इंडिया गठबंधन से अलग रखा, इस मायने में कि उसने कहा कि वो इंडिया के साथ तो है लेकिन हरियाणा का चुनाव नहीं लड़ेगी। कहा यह गया कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इक्की दुक्की सीटें देने को तैयार थी, लेकिन अखिलेश यादव ने हरियाणा से खुद को अलग रखा है। लेकिन क्या महाराष्ट्र से भी खुद को अलग रखेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस साथ ले तो ठीक, और अगर साथ नहीं ले तो भी ठीक, उसे हर हाल में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ना है, जो नवंबर दिसंबर में ये विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से आखिर महाराष्ट्र का चुनाव इतना अहम क्यों है? दरअसल जिस वक्त महाराष्ट्र का चुनाव होगा, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे, और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा इन दोनों राज्यों के में होने वाले चुनाव और उपचुनाव के फॉर्मूले पर निर्भर करेगा। सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा क्या है। जी हाँ, अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसने अपनी सीटें आइडेंटिफाई कर ली हैं और उसे अपने आलाकमान को भेज दिया है। उनका फॉर्मूला यह है कि चूंकि 10 में 5 सीटें पहले समाजवादी पार्टी जीती है, वो चुनाव लड़ ले 5 सीटों पर, और 5 सीटें जहां सपा हारी है वो कांग्रेस पार्टी को दे दे। उन्होंने कहा कि यह पूरा फॉर्मूला उन्होंने अपने आलाकमान को भेज दिया, अब केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाए या कितनी सीटों पर, कितनी कम सीटों पर लड़ा जाए, ये अब आलाकमान को फैसला लेना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला अपना फैसला बता दिया है। तो पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अजय राय, फिर हम समझेंगे महाराष्ट्र से यह फॉर्मूला कैसे जुड़ता है। हम मिलकर लड़ेंगे, 5 सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है, जो भाजपा गठबंधन की सीटें जो 22 में जीती थी ये लोग, हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी को जमींदोज करेंगे, हराएंगे। तो अजय राय ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि 5 सीटें वो चाहते हैं, आलाकमान को बता दिया गया है और अब आलाकमान तय करे। लेकिन समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला अलग है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को देगी, उतना ही सम्मान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी देगी, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले। जी हाँ, ये बात हालांकि इतने तल्ख तरीके से या इतने ब्लंट तरीके से सियासत में नहीं कही जा रही और ना ही कभी कहीं कही जाती है, लेकिन पार्टी के भीतर का जो फॉर्मूला है वो यही है। अखिलेश यादव ने, जिसे कहते हैं स्ट्रेटजिक रिट्रीट, यानी कि रणनीतिक तौर पर 2 कदम पीछे हटना ताकि आगे के हमले के लिए खुद को तैयार किया जा सके, और यही स्ट्रेटजिक रिट्रीट हरियाणा में उन्होंने किया है। कांग्रेस इक्का दुक्का सीटें दे सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी पर एक मॉरल दबाव, एक मॉरल प्रेशर होता उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर झुकने के लिए। तो फिलहाल ऐसा कोई दबाव नहीं है। अब समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों को लेकर जो नेगोशिएट करेगी, वो सीधे सीधे महाराष्ट्र के चुनाव में सपा को मिलने वाली सीटों पर निर्भर करेगा। समाजवादी पार्टी 10 से 15 सीटें महाराष्ट्र में लड़ना चाहती है, कुछ सीटें मुंबई में लड़ना चाहती है,
उसके विधायक पहले भी रहे हैं, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 4 विधायक तक समाजवादी पार्टी के रह चुके हैं महाराष्ट्र में। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ये जरूर बार्गेन करेगी कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में सीटें चाहिए, 5 मांग रहे हैं, 4 चाहिए, 3 हम दें, तो इसके लिए आपको भी महाराष्ट्र में बड़ा दिल दिखाना होगा। हालांकि इसमें अभी वक्त है और जब ये लोग नेगोशिएशन के टेबल पर बैठेंगे तब इस बात का फैसला होगा कि कितनी सीटें लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई की जो बिसात है वो तय हो गई है, यानी महाराष्ट्र के चुनाव में जितनी कंसिडरेट कांग्रेस पार्टी होगी, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए सपा भी उतनी ही कंसिडरेट होगी। यानी अगर आप वहाँ कांग्रेस के मुताबिक सीटें ठीक ठाक देते हैं, सपा के मुताबिक ठीक ठाक सीटें देते हैं, तो यहाँ कांग्रेस की सुनी जा सकती है। अब देखना यह है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी कि जैसा सम्मान महाराष्ट्र में वैसा सम्मान यूपी में, क्या यही बात रहेगी। हालांकि ये बहुत ब्लंट तरीके से नहीं कहा गया है, लेकिन सपा के प्रवक्ता ने इशारा जरूर किया है। तो आप सुनिए क्या कहा है सुनील साजन ने इस मामले पर, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। सुनिए। ये गठबंधन में आपसी तालमेल होता है, जितना अच्छा आपसी तालमेल हमारा महाराष्ट्र में होगा उतना अच्छा उत्तर प्रदेश में होगा, स्वाभाविक है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। तो दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन तो है, लेकिन सीटों को लेकर आपसी खींचतान होनी तय है। और हम आपको हर उस खबर से रूबरू कराएंगे जो इस गठबंधन से लेकर चुनाव तक जाना है। अब अगली खबर, और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व पर अपना स्टैंड दिन ब दिन कड़ा करते जा रहे हैं। जी हां, लगभग हर दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई ना कोई ऐसा बयान आता है जो ये दिखाता है कि उनसे बड़ा हिंदुत्व का पोस्टर बॉय और अलंबरदार कोई नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि चुनाव में सेटबैक के बाद किसी भी तरीके से वो सॉफ्ट होंगे, तो ये गलतफहमी है। चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, चाहे वो मथुरा का विवाद हो, चाहे वो काशी का विवाद हो, चाहे बुलडोजर का मामला हो, चाहे अगर आप देखें तो एनकाउंटर का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में इसे जरूर लाते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ को लेकर यह कह दिया कि ज्ञानवापी तो संपूर्ण शिव है, यानी कि ज्ञानवापी परिसर जिसे मस्जिद मुस्लिम पक्ष क्लेम करता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि वो पूरा का पूरा ज्ञानवापी मंदिर है, वो साक्षात शिव हैं। हालांकि पहले भी वो कह चुके हैं कि ज्ञानवापी को कोई मस्जिद ना कहे, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद हो ही नहीं सकती। लेकिन आखिर अभी जब ऐसी कोई नई बात निकल करके नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर भी ज्ञानवापी का मुद्दा उन्होंने खुद से उठाया है और कह दिया कि पूरा ज्ञानवापी साक्षात शिव है। यानी कि अब ये मान लेना चाहिए कि ज्ञानवापी का मुद्दा हो या फिर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका झंडा अलग से उठा लिया है। कानून के मुताबिक या अदालतों में चाहे जो लड़ाई हो रही हो, लेकिन नैरेटिव सेट कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, चाहे जो हो, ज्ञानवापी हिंदुओं का है और बतौर मुख्यमंत्री वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को लेकर के भी बड़ी बातें कहनी शुरू की। हालांकि अमूमन वो कहते रहे हैं, लेकिन कल की समीक्षा बैठक में उन्होंने कई बातों का सीधा संज्ञान लिया और जब उच्चाधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक हुई तो जो पहला एजेंडा उन्होंने दिया वो ये कि थानेदार से लेकर सीओ तक नप जाएंगे अगर लव जिहाद के मुद्दे पर थोड़ी भी नरमी बरती गई। जी हाँ, थोड़ी भी नरमी बरती गई तो नप जाएंगे थानेदार से लेकर सीओ तक।
और आप अंदाजा लगाइए कि हाल के दिनों में जिस तरीके से टफ स्टैंड मुख्यमंत्री का है, हाल में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मौलाना उमर गौतम या कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों को धर्मांतरण के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है, इसके बाद से सरकार का टफ स्टैंड दिखाई दे रहा है। यानी कि हर दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने उस ब्रांड को और कड़ा और मजबूत करते जा रहे हैं। आपको एक और छोटी घटना बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक घटना है जहां 2005-06 में एक लड़का घर से गायब हुआ। बाद में पता चला कि वो इस्लाम धर्म से प्रभावित था और जिस शख्स के साथ गया था उसने घर छोड़ दिया और वो उसने अपना धर्म बदल लिया, वो इस्लाम में दाखिल हो गया, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। करीब 1.5 दशक के बाद उस बच्चे की माँ ने अब जाकर कंप्लेन किया और कहा कि उसके बच्चे को उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया और जिस शख्स ने उसका धर्मांतरण कराया अब वो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। तो अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से सरकार का स्टैंड इस मुद्दे पर दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व का चेहरा लगातार टफ होता जा रहा है और अब ये सबके सामने है। कहीं ना कहीं जाति के मुद्दे पर, मंडल के मुद्दे पर पिछड़ने के बाद अब मुख्यमंत्री को और बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व का यही चेहरा उन्हें आने वाले दिनों में जीत दिलाएगा और यही वजह है कि इस मुद्दे पर बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो एक कह सकते हैं स्टैंड है, एटीट्यूड है, वो मुख्यमंत्री का है। खैर, ऐसे तमाम खबरों पर नजर रहेगी और अब आखिर में नाराज विधायकों की बात। तो इन दिनों संगठन और सरकार के बीच समन्वय है ये तो दिख रहा है, यानी कि अगर कोई विधायक नाराज हो, कोई संगठन का नेता कार्यकर्ता नाराज हो तो मुख्यमंत्री से वक्त मांगता है तो उसे मिल जाता है। अधिकारियों को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि सरकार अब अगर अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत हो रही है तो उसे कार्यकर्ताओं के मुंह से सुन रही है और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन दो मामले इस वक्त ऐसे हैं जहां दो विधायक एनडीए के, एक बीजेपी के और एक अपना दल एस के, ये दोनों विधायक बागी तेवर में हैं। शोहरतगढ़ से विनय वर्मा लगातार कई दिनों से, यूं कह लें हफ्तों से बैठे हैं इस वक्त सिद्धार्थनगर में धरने पर, ताकि एसपी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। उनकी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है, उनके पार्टी के जितने लोग साथ थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। फिलहाल विनय वर्मा अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि न सरकार उनकी बात सुन रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जिले की एसपी ने बातें नहीं सुनी, जिले के एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो, तमाम तरह के आरोप भी उन्होंने पुलिस पर लगाए हैं, लेकिन सरकार फिलहाल उनकी ये बात मानने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी के अपने चरखारी महोबा से विधायक ब्रजभूषण राजपूत, जो कि गुड्डू राजपूत के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों से बात करना तो दूर, अधिकारियों ने सुनना बंद कर दिया है। वो भी कई मुद्दों को लेकर नाराज हैं। आज खुलकर उन्होंने यूपी तक से बात भी की है और कहा है कि ये बात कि विधायकों की सुनवाई हो रही है ये बातें गलत हैं और उन्होंने कई उदाहरण दिए कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो दोनों विधायक जो इस वक्त नाराज हैं, कोई धरना पर बैठा है, कोई अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहा है, दरअसल ये दोनों ओबीसी बिरादरी से हैं। ऐसे में सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की का अगर बढ़ा तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकता है। खैर, क्या ये दो विधायक से इनकी संख्या आगे बढ़ेगी जो नाराज हैं, या फिर सरकार इस मामले को काबू कर लेगी, हमारी नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।